Welcome to CR International School online study classes. I hope all of you will be fine at home. That is, please stay home, stay safe. We are doing economics, then book number 2, okay? Indian economy and the development, lesson number 1, Indian economy on the eve of independence. बेटे last topic में last video में बेटे हमने Indian agriculture के features पढ़ लिए थे. आज देखिए हमें पढ़ना है industrial sector on the eve of independence, यानी कि industrial sector की क्या हालत थी बेटे on the eve of independence. eve का मतलब बेटे समय होता है, ठीक है, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी बेटे, ये आपको बताना है. तो दो तरीके से बेटे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. सबसे पहला है डेके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. बेटे इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाने वाले जो प्रोडक्ट है बेटे, वर्ल्ड वाइड रिपोर्टेड प्रोडक्ट है बेटे, तो उसका डेके हो गया. डेके का मतलब होता है पतन होना, पतन. तो बेटे उसका पतन कर दिया ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसियां अपनाए बेटे जिसके कारण जो भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसे खत्म कर दिया इन्होंने, पतन कर दिया उसका बेटा. और सेकंड है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. ब्लीक का मतलब होता है बेटे नॉशनल या बहुत कम या वेरी लिटिल. नॉशनल यानी वेरी लिटिल, बहुत कम, यानी कि जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री थी उस समय की बेटे बहुत कम ग्रोथ हो रही थी उसकी, बहुत नॉशनल टाइप की ब्लीक ग्रोथ हो रही थी बेटे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे द डेके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. डेके का मतलब मैंने बताया बेटे पतन से होता है. हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी बेटे वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी बेटे, बहुत ज्यादा यूज होते थे वर्ल्ड वाइड भारत के प्रोडक्ट, ठीक है. लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके कुछ ऐसी पॉलिसियां ऐसी टैरिफ पॉलिसियां बेटे अपनाई जिसके कारण इंडस्ट्रीज का पतन हो गया. फर्स्ट पॉइंट देखिए डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द स्टेट. स्टेट का मतलब यहाँ पर बेटे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट आपका राज कर रही थी बेटे, उनका शासन था, उनकी रूलिंग थी बेटे. तो जो ब्रिटिशर्स थे बेटे उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, एक ऐसी भेदभाव वाली पॉलिसी अपनाई बेटे जिसके कारण इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का पतन होना निश्चित था ही बेटे, ठीक है, निश्चित था ही. कैसे, सोच के देखिए. सबसे पहले इन्होंने ब्रिटिशर्स ने बेटे इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता था बाहर जो जाता था बेटे उस पर हैवी टैक्स लगा दिया. हैवी टैक्स लगने के कारण बेटे दूसरे देशों के लिए हो गया महंगा, जिसके कारण इसकी इंटरनेशनल डिमांड हो गई खत्म बेटे. तो इंटरनेशनल की डिमांड को इन्होंने ऐसे खत्म किया बेटे. सेकेंड देखिए जो ब्रिटेन से प्रोडक्ट इंडिया में आता था बेटे वो इन्होंने इम्पोर्ट फ्री कर दिया. इंडिया के लिए तो इम्पोर्ट हुआ ना ब्रिटिश प्रोडक्ट बेटे, तो वो कर दिए इन्होंने इम्पोर्ट फ्री, यानी कोई टैक्सेशन वगैरह लग नहीं रहा था बेटे उसके ऊपर. तो वो हो गया सस्ता बेटे, लोगों को सस्ता प्रोडक्ट जल्दी भाता है. तो ब्रिटेन के सस्ते प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में फैल गए बेटे, जिसके कारण जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उसकी मार्केट खत्म हो गई और इसका पतन हो गया, डेके हो गया बेटे. तो इस तरह से इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अपनाई बेटे जिसके कारण इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का इन्होंने पतन कर दिया बेटे. ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बेटे एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल भी चुन लिया कि भाई इंडिया एक वर्ल्ड हेरिटेज मार्केट है जहां पर बेटे रॉ मटेरियल यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है बेटे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है उनका. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया को एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बना के रख ले, यहाँ से रॉ मटेरियल अपना लेके जाएं बेटे. तो उन्होंने इसी उद्देश्य से इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पर हाई टैक्स पुट कर दिया, अपने प्रोडक्ट को बेटे टैक्स फ्री कर दिया जिससे कि उनके प्रोडक्ट बहुत जल्दी इंडिया की मार्केट में छा जाए बेटे, ठीक है. तो इस वजह से जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था बेटे, ठीक है, उसकी जो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी या कंपेटिटिवनेस थी बेटे वो कम हो गई, जिसके कारण वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन अपनी खो बैठा. एज अ कॉन्सिक्वेंसेस वाइल द ब्रिटिश प्रोडक्ट हैज स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम इन इंडियन मार्केट. तो ब्रिटिश प्रोडक्ट ने बेटे इंडिया की मार्केट में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और भारत का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था बेटे उसका पतन होता चला गया, वो नीचे गिरता ही चला गया. तो इस तरह डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बेटे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट खत्म हो गया. सेकंड देखिए डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कॉर्ट्स. को प्रिंस बेटे, ठीक है, ब्रिटिश शासन से पहले बेटे इंडिया में राजा महाराजा नवाब प्रिंस, ठीक है, किंग, ये लोग रहते थे बेटे, ठीक है. तो राजा हो गए, महाराजा हो गए, नवाब्स हो गए, प्रिंस हो गए बेटे, इन सबको हाथ से बने प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते थे बेटे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते थे और अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के कारण ही वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन इंजॉय करती थी इंडिया हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की. लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स आए बेटे इन्होंने राजा महाराजा नवाबों वाला जो शासन चलता आ रहा था उसे खत्म कर दिया और ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर ले आए बेटे, ठीक है. और जब
जब बेटे ये राजा महाराजा ही नहीं रहे, ठीक है, वो रहे ही नहीं, तो फिर बेटे उनको जो जो पसंद करते थे शिल्पकारी के प्रोडक्ट बेटे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, तो उनकी डिमांड भी घटती चली गई। राजा महाराजा होते तो बेटे उन्हें पसंद करते और उनकी डिमांड बढ़ती, लेकिन राजा महाराजा थे ही नहीं तो उनकी डिमांड एकदम से खत्म हो गई बेटे। आगे देखिए, कंपटीशन ऑफ मशीन मेड प्रोडक्ट, बेटे जो ब्रिटेन से प्रोडक्ट बन के आ रहा था वो बेटे मशीन मेड प्रोडक्ट है। कहाँ आप कोई हाथ से प्रोडक्ट बनाए, कहाँ मशीन से बना प्रोडक्ट बेटे। हाथ से बना प्रोडक्ट मशीन के से सामने तो टिक ही नहीं पाएगा बेटे। मशीन मेड प्रोडक्ट तो हैंडमेड प्रोडक्ट को आउट क्लास कर देते हैं, क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट बेटे एक तो होते हैं चीपर सस्ते, ठीक है, एक होते हैं चीपर, एक उनकी बेटे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मशीन एकदम सटीक चीज़ें बनाते हैं बेटे, हाथों से तो फिर भी थोड़ी बहुत कमियाँ वगैरह हो जाती है, लेकिन मशीन एकदम सटीक एकदम क्वालिटी वाइज अच्छी चीज़ें बनाते बेटे। तो क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट बेटे इंडिया की पूरी मार्केट में छा गए लो कॉस्ट के कारण, क्योंकि उन्होंने बेटे अपना इम्पोर्ट फ्री कर दिया था, ठीक है, ब्रिटिश से जो इंडिया में प्रोडक्ट आ रहा था वो बेटे बिना टैक्स के आ रहा था, तो वो सस्ते हो गए। सस्ते होने के कारण और जल्दी वो इंडियन मार्केट में फैलता चला गया बेटे उसका प्रोडक्ट, ठीक है। मशीन मेड प्रोडक्ट आउट क्लास द इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इन प्रिसीजन एंड क्वालिटी। तो बेटे प्रिसीजन और क्वालिटी में इंडिया के हैंडीक्राफ्ट का कोई मैच ही नहीं था बेटे मशीन मेड प्रोडक्ट के चलते। सो कॉम्पिटिशन फोर्स द इंडियन क्राफ्टमैन टू शट डाउन देयर एंटरप्राइज। तो बेटे इंडिया के जो क्राफ्टमैन थे, भारत के जो हस्तशिल्प थे, कॉम्पिटिशन को सहन नहीं कर पाए और उन्हें अपना जो बिजनेस था वो शट डाउन करना पड़ गया। आगे देखिए, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड बेटे। जब ब्रिटेन के प्रोडक्ट भारत के अंदर आने शुरू हुए बेटे, तो एक ब्रिटेन कल्चर क्रिएट हो गया। आपको तो पता ही है, जब भी कोई नई जाते बेटे तो उसका एक कल्चर सा बन जाता है। तो ब्रिटेन के प्रोडक्ट आए, लोगों को नए लगे, अच्छे लगे बेटे, लोगों को अट्रैक्ट करने में वो एकदम सफल साबित हुए बेटे। तो एक न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड क्रिएट हो गया। एक ग्रुप था जो बेटे ब्रिटेन मेड प्रोडक्ट्स को पसंद करने लग गए, और आपको तो पता ही है भीड़ के पीछे भीड़ भागते बेटे। तो जब ब्रिटेन प्रोडक्ट पसंद करने लग गए कुछ लोग, तो उनके पीछे पीछे लोग आने शुरू हुए बेटे, और ब्रिटेन प्रोडक्ट की एक नई मार्केट क्रिएट हो गई इंडिया की, इंडिया के अंदर। तो एक न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड क्रिएट हुआ बेटे, जिससे ब्रिटेन के प्रोडक्ट फैमिलियर हो गए और भारत के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इंडिया की मार्केट से बाहर हो गए, महंगे होने के कारण और क्वालिटी वाइज लो होने के कारण बेटे। लास्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे बेटे। रेलवे, ब्रिटिशर्स ने बेटे रेलवे को इंडिया का विकास करने के लिए नहीं चलाई थी बेटे, ब्रिटेन ने रेलवे बड़ी स्ट्रेटेजिकली तरीके से चलाई थी। वो रेलवे के जरिए अपने प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में फैलाना चाहते थे, ताकि इंडिया की जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट खत्म हो जाए और केवल ब्रिटेन के प्रोडक्ट ही इंडिया के अंदर घूमते रहे बेटे। तो रेलवे जब 1853 में चली थी सबसे पहले रेलवे, आपको ठीक है पता हो तो भाई, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी बेटे, ठीक है। तो ये रेलवे चलाने का उद्देश्य यही था भाई ब्रिटिशर्स का, कि वो ब्रिटेन से बने प्रोडक्ट को बेटे आसानी से भारत की पूरी मार्केट में पहुंचा सके, और भारत के रॉ मटेरियल को इजीली ब्रिटेन की मार्केट में पहुंचा सके बेटे। तो रेलवे का उन्होंने आविष्कार या रेलवे का इंट्रोडक्शन इंडिया के अंदर इसी उद्देश्य से किया कि ब्रिटेन मेड प्रोडक्ट को भारत की पूरी मार्केट में फैला देंगे और भारत के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के पतन का कारण बना देंगे बेटे। तो ये सारे रीजन थे जिसके कारण भारत की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी बेटे उसका पतन हो गया, ठीक है। ओके, पॉइंट था आपका द ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक का मतलब होता है नॉशनल, बहुत लिटल यानी बहुत कम कम बेटे। ग्रोथ मतलब आपको पता है वृद्धि, और मॉडर्न इंडस्ट्री यानी कि आधुनिक उद्योग। तो आधुनिक उद्योग की जो ग्रोथ थी बेटे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत स्लो थी, बहुत नॉशनल थी बेटे। कैसे? क्योंकि सम इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश अंडर द प्राइवेट सेक्टर। कुछ ही इंडस्ट्रियां थी जो बेटे प्राइवेट सेक्टर के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी, जिसके अंदर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बेटे आती है, ठीक है, सुगर कंपनी, सीमेंट कंपनी और पेपर इंडस्ट्रीज, ये सारी इसके अंदर आती है। देवर एस्टेब्लिश इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वाइड स्कैसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बेटे। वर्ल्ड वार जो हुए थे उसके दौरान ये कंपनियां बनी थी बेटे, 1907 के दौरान ये कंपनियां बनी थी। तो आपने देखा बेटे कुछ ही कंपनियां, टाटा आयरन स्टील कंपनी, सीमेंट कंपनी, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कुछ ही इंडस्ट्रीज बन पाई थी, इसके कारण की बहुत स्लो, बहुत कम रेट से ग्रोथ हो पाई। सेकंड देखिए बेटे, द स्टेट पार्टिसिपेशन। स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट से बेटे, ठीक है, जो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन था इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट निल था बेटे। उन्होंने किसी इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन नहीं किया, किसी इंडस्ट्रीज को बेटे डेवलप करने की कोशिश नहीं की। हाँ, उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए रेलवे का विस्तार जरूर किया, लेकिन वो भी केवल अपने फायदे के लिए, क्योंकि उन्हें अपने ब्रिटिश प्रोडक्ट को पूरी इंडिया की मार्केट के अंदर फैला ना था और भारत के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म करना था। तो इसीलिए बेटे जो उस समय की गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो शासन था, उन्होंने इंडस्ट्री के लिए कोई योगदान नहीं दिया, रेलवे का दिया, लेकिन वो भी केवल अपने खुद के फायदे के लिए।
थर्ड पॉइंट है बेटे, देर वॉज नो कैपिटल गुड्स, हार्डली कैपिटल गुड्स की तो एक भी इंडस्ट्री थी नहीं। जो मशीन्स वगैरह होती थी, टूल्स वगैरह होते थे, इक्विपमेंट्स वगैरह होते थे, ये सारे हमें इम्पोर्ट करके मंगाने पड़ते थे, वो भी ब्रिटेन से बेटे। तो ब्रिटेन इस इम्पोर्ट के जरिए भी भारत से सारा का सारा जो धन था वो अपने देश ठीक है इंग्लैंड में ले जाते थे बेटे। तो सारा धन इंग्लैंड में ले गए तो इंडिया की इंडस्ट्रीज के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो उसकी डेवलपमेंट तो बेटे हो ही नहीं पाएगी। तो इन सब चीजों के कारण जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी बेटे वो तबाह होनी शुरू हो गई, और जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसकी भी ग्रोथ नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो पाई बेटे, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन कुछ था नहीं, और हार्डली कैपिटल गुड्स इंडिया में कभी बनते ही नहीं थे, केवल एग्रीकल्चर गुड्स इंडिया में बनते थे बेटे। तो ये थी आपकी ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो अगर हम बेटे कुछ समअप कर दें पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, कुछ समअप कर दें बेटे, तो इसमें आपको पता लगेगा कि भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का बेटे पतन हो गया, जो भारत की मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी बेटे उसकी ग्रोथ केवल नेशनल नॉशनल थी बेटे, बहुत स्लो थी, कैपिटल गुड्स इंडिया के अंदर थे ही नहीं, हमें सारे के सारे इंपोर्ट करके मंगाने पड़ते थे। और मेरे भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को यूके ने अपनी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी तबाह कर दिया था बेटे। तो ये था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड तो आप फॉरेन का मतलब तो आपको पता ही बेटे ठीक है, विदेशी और ट्रेड का व्यापार। तो विदेशी व्यापार यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडिया किसके साथ करता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देखिए बेटे ठीक है। जो बेटे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस जो पहले का पीरियड था बेटे, इंडिया एक फेमस एक्सपोर्टर था बेटे ठीक है। भारत के जो गुड्स थे कॉटन के सिल्क के काफी एक्सपोर्ट किए जाते थे बेटे, और काफी वर्ल्ड वाइड फेमस थे भारत के सारे एक्सपोर्ट ठीक है। सारे देश बेटे पसंद करते थे भारत से गुड्स को यूज करना। लेकिन जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पर बेटे शासन किया, इंडिया में आकर एंट्री की बेटे, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट थे बेटे उसे रोक दिया गया ठीक है। बाकी देशों से एक्सपोर्ट को इतना महंगा कर दिया कि बाकी देश इंडिया से अपना जो माल मंगाते थे वो मंगवा ही नहीं पाते थे, क्योंकि गुड्स बहुत महंगे हो जाते थे बेटे, तो इस वजह से वो मंगवा ही नहीं पाते थे। तो इससे इंडिया के एक्सपोर्ट पे एक नेगेटिव प्रभाव पड़ा बेटे, और इंडिया का एक्सपोर्ट जो किया वो बहुत कम हो गया। अब इंडिया केवल बेटे प्राइमरी प्रोडक्ट जो होते हैं ना ठीक है, रॉ मटेरियल जिसे हम कहते बेटे, केवल उसका एक्सपोर्ट करता था, वो भी किसको, केवल और केवल ब्रिटेन को ठीक है बेटे। तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया बेटे ब्रिटेन ने। अब देखिए फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, सबसे पहला पॉइंट बेटे, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बेटे। तो इंडिया एक एक्सपोर्टर बन गया केवल प्राइमरी प्रोडक्ट का, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेटे जो होते हैं, जैसे नील की खेती आपकी हो गई ठीक है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होते बेटे, कॉटन सिल्क वगैरह कई चीजें होते हैं जो इंडिया केवल क्या करता था, जिसका एक्सपोर्ट करता था ठीक है। रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता था बेटे उसका एक्सपोर्ट, और जो फिनिश गुड्स थे जो लंदन से बने हुए बेटे, जैसे कपड़े हो गए, क्लोथ वगैरह हो गए, कॉटन हो गई, सिल्क हो गई, वहां से बने बनाए प्रोडक्ट को यहाँ इंडिया लेकर आता था। तो इंडिया का जो बेटे एक्सपोर्ट था या इम्पोर्ट था बेटे या फॉरेन ट्रेड था, वो केवल यूके के साथ रिस्ट्रिक्ट रह गया था, क्योंकि यूके की पाबंदियों के चलते बेटे भारत दूसरे देशों के साथ व्यापार कर ही नहीं पा रहा था बेटे ठीक है। तो इसी कारण जो भारत है बेटे ठीक है, यूके से बहुत ज्यादा कैपिटल गुड्स भी मंगाने लगे बेटे, क्योंकि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन तो इंडिया में होता ही नहीं था ठीक है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश था ही नहीं जहाँ कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह वो इंडिया के पास थी ही नहीं, तो वो तो हमें ब्रिटेन से मंगानी ही बेटे पड़ती थी ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रिफ्लेक्टेड अटर बैकवर्डनेस बेटे, अटर यानी कि पूर्ण तरीके से। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे बेटे तो पूरा पूरा बैकवर्डनेस की प्रॉब्लम को दर्शा रहा है कि इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री था ठीक है। यूके ने बेटे इंडिया को एक बैकवर्ड देश बना दिया था, और इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को केवल खुद के साथ करता था ठीक है। यूके करते क्या थे बेटे, इंडिया से इंपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल कच्चे माल का, और जो यूके में बेटे प्रोडक्ट बन जाता था ठीक है उसे इंडिया में भेज देते थे, और इंडिया के पूरे मार्केट में फैला देते थे, जिससे कि इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती थी और यूके के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती थी बेटे। तो इस तरह इंडिया एक एक्सपोर्टर था बेटे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, और इम्पोर्टर था फिनिश गुड का। सेकंड पॉइंट देखिए, मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड बेटे। तो क्योंकि ब्रिटेन शासन कर रहा था बेटे, तो ब्रिटेन की मोनोपोली बन चुका था इंडिया, इंडिया पर जो चाहे वो कर सकते थे। भारत पर पूरी तरह से जो शासन था बेटे वो किसका था, इंग्लैंड का था, यूके का था, तो भारत में जो जो चाहे वो कर सकते थे बेटे ठीक है। तो इसी कारण जो मोनोपोली कंट्रोल आ गया था बेटे भारत के फॉरेन ट्रेड की तरफ, और उन्होंने अपने मोनोपोली कंट्रोल को एक्सरसाइज भी किया बेटे, बाकी देशों से इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया गया बेटे ठीक है, और केवल यूके के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करते थे बेटे। तो मोर देन 50% ऑफ इंडिया ट्रेड, 50% से भी ज्यादा जो ट्रेड था इंडिया का वो केवल ब्रिटेन या यूके के साथ
इम्पोर्टर था वाई एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट बेटे प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता है ना उसका एक्सपोर्ट करते थे जैसे रॉ मटेरियल बेटे ठीक है सप्लाई टू द इनपुट फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री बेटे तो इंडिया से जो रॉ मटेरियल आता था या इनपुट आते थे वो ब्रिटेन को सप्लाई किए जाते थे ताकि ब्रिटेन के फिनिश गुड्स आसानी से बनाए जा सके बेटे ठीक है एंड एंड ब्रिटेन प्रोवाइड ए ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री और बेटे ब्रिटेन ने अपने प्रोडक्ट के लिए इंडिया को एक मार्केट चुना और इंडिया की मार्केट में सारा का सारा सामान भेज देते है बेटे ठीक है सर देखिए सरप्लस ट्रेड अब सरप्राइजिंगली भारत का बेटे उस समय सरप्लस ट्रेड आता था सरप्लस कब आता है व्हेन एक्सपोर्ट आर मोर देन इम्पोर्ट ये तो पता होगा आपको एक्सपोर्ट आर मोर देन इम्पोर्ट तो जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज्यादा होते बेटे तो आपका आता है ट्रेड सरप्लस तो सरप्राइजिंगली बेटे उस समय इंडिया का ट्रेड सरप्लस आया था लेकिन उस ट्रेड का एडवांटेज भी केवल यूके ने ट्रेड सरप्लस क्यों बेटे क्योंकि भारत जो जाता था रॉ मटेरियल होते ना कच्चे माल होते बेटे उसका एक्सपोर्ट करता था वो भी केवल यूके को फायदा पहुंचाने के लिए बेटे ठीक है तो इंडिया के उस समय पर एक्सपोर्ट ज्यादा थे और इम्पोर्ट कम थे बेटे ठीक है और ये हुआ क्यों बेटे सरप्लस ट्रेड आने के बावजूद ये केवल ब्रिटेन को ही फायदा पहुंचा रहा था बेटे ओनली फॉर ब्रिटेन क्यों क्योंकि ब्रिटेन को एक तो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल मिल जाता था बेटे अपने प्रोडक्ट के लिए ठीक है कच्चा माल उन्हें मिल जाता था बेटे ठीक है और साथ ही साथ जो इनकम अर्न करते थे इंडिया से बेटे जो सरप्लस ट्रेड आया वो क्योंकि बेटे यूके ने कोई केवल इंडिया पे तो शासन कर नहीं रखा था बहुत सारे देशों पर ब्रिटेन ने अंग्रेजों ने शासन किया हुआ था बेटे तो बहुत सारी लड़ाइयां उन्हें लड़नी पड़ती थी बेटे क्योंकि इंडिया की तरह हर देश में क्रांतिकारी लोग होते थे जो फाइट करते थे फ्रीडम फाइटर्स होते थे बेटे तो उनसे वार करने के लिए उनसे लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटेन को रुपया धन की आवश्यकता पड़ती थी बेटे तो भारत में जो सरप्लस उन्हें मिलता था बचता था बेटे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ चला जाता था इसलिए वार यानी कि युद्ध में लड़ाई करने के लिए बेटे तो सरप्लस वाज लार्जली ओनली ड्यू टू द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट बेटे सरप्लस केवल प्राइमरी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचकर आता था और उस सरप्लस का यूज किसमें होता था बेटे ब्रिटेन के होता था ब्रिटेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए किया जाता था उसका इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं था बेटे जो एक्स्ट्रा मनी आ रही है आपके पास इंडिया की ग्रोथ नहीं हो रही उससे ओनली यूके की ग्रोथ हो रही है बेटे ठीक है क्यों क्योंकि यूके को बेटे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अपना प्रशासन चलाने के लिए रुपए की जरूरत पड़ती थी रुपए की आवश्यकता पड़ती थी और साथ ही साथ बेटे उन्हें लड़ाई भी लड़नी पड़ती थी क्योंकि उनके बहुत सारे देशों पर उनको बेटे शासन कर रहे थे तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार एक्सपेंस लीड टू अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्रेन का मतलब बेटे बर्बादी तो एडमिनिस्ट्रेटिव में और युद्ध में खर्चा करके वो प्योर धन की बर्बादी करते थे तो कहने का मतलब बेटे कि सारा का सारा जो सरप्लस था वो ब्रिटेन को जाता था और ब्रिटेन की लड़ाई लड़ने के लिए जाता था थैंक यू वेरी मच बेटे